इसे यहाँ से पहले मैं खोल के पूरी जो है केबल को बाहर निकालता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्यों हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक है, इको मॉडल वाली, और इसमें जो है कस्टमर का कहना है कि जब हम बाइक का गियर डालते हैं, क्लच दबा के गियर डालते हैं, जब हम बाइक को बढ़ाते हैं आगे, तो बाइक थोड़ी दूर तक नहीं भागती है, फिर उसके बाद भागने लगती है अचानक। ये समस्या है। मतलब मैं भी ये बाइक को चलाया हूँ, 2-3-4 गियर डाला हूँ, तो बाइक जो पिकअप है ना, पिकअप बाद में बनाती है, समझ रहे हो ना आप लोग। पहले जब गियर डालने पे भागती है ना तुरंत बाइक, वैसा नहीं है, ये पिकअप बाद में बनाती है। एक क्लच छोड़ दो, गियर डाल लो, क्लच छोड़ दो, थोड़ी देर वो एकदम स्लो स्लो जाएगी, फिर अचानक से, फिर जब हम ज़्यादा एक्सेलेटर देंगे तब ये बाइक भागती है। तो ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं इसका डायरेक्ट जो है क्लच चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो क्लच में है प्रॉब्लम, देखो ये प्रॉब्लम है कि इसमें प्ले है नहीं, है ना, थोड़ी सी प्ले है, हल्की प्ले, बट क्लच जो है हाफ रहना चाहिए, हाफ नहीं है, ये फुल क्लच इसको मैं बोलूँगा। और इसको यहाँ से देखो, ये पूरी जो है ख़राब हो गई है, और यहाँ से भी हैंडल, ये यहाँ से भी देखो फट गई है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो एडजस्टर सेटिंग है, एडजस्टर ये पूरी तरीके से कम है, फिर भी जो है क्लच देखो प्ले नहीं है इसमें। जो प्रॉब्लम जो मेरे को पता चल गई, क्योंकि इसके जो क्लच है, क्लच में प्रॉब्लम है। क्लच बहुत देर बाद रिलीज होता है, मतलब छूटता है, जब हम क्लच को दबाते हैं, बाइक को गियर में डालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो इसका क्लच जो हल्के हल्के छूटता है क्लच। तो इसकी जो केबल है, केबल मेरे ख्याल से चेंज करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अब इसे चेंज कैसे करना है, यहाँ पे हम इसका जो बोल्ट है क्लच वाला, ये देखो ये 14 नंबर का बोल्ट लगा होता है, इसे हमको पूरा खोल लेना है। चलो मैं इसे जो है पूरा इस तरीके से खोल लेता हूँ। अब प्ले है नहीं, तो मुझे यहाँ से इसका जो लीवर है, लीवर से वायर को निकालना पड़ेगा। ये निकल जाएगी आराम से, ये निकल गई, बोल्ट को हटा देते हैं और यहाँ से इसे निकालते हैं बाहर। अब इसकी जो केबल है, केबल पूरी कम्प्लीट बाहर निकालते हैं। चलो ये कहाँ कहाँ पर फंसी होती है वो देख लो, यहाँ से खींचेंगे ये निकल जाएगी पूरी, इसको इस तरीके से निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डैमेज भी है। यही प्रॉब्लम थी कि जब गियर में बाइक को डालते थे, चलाते थे 2-3-4 गियर या 1 गियर, तो क्लच जो है बहुत देर में इसका रिलीज होता था, छूटता था, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इसकी जो क्लच केबल है, क्लच केबल ख़राब हो चुकी है, क्लच केबल चेंज करेंगे, जो पिकअप है वो आ जाएगा बढ़िया। चलो इसे मैं केबल को निकाल लेते, यहाँ पे फंस गई केबल पूरी जो है, कंप्लीट निकल चुकी है बाहर। नई केबल जो इसमें लगाते हैं, नई केबल जो मैं डाल रहा हूँ, इसकी प्राइस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो जो मैं केबल इसमें डाल रहा हूँ, वो कंपनी की ओरिजिनल केबल है, क्लच केबल ओरिजिनल। यहाँ पर आप लोग देख लो, हीरो का ब्रांड है, जेन्युइन पार्ट्स, और इसकी जो प्राइस, पार्ट नंबर जो है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो पार्ट नंबर, प्राइस, डेट भी देख लो, 9/2023 कंप्लीट क्लच केबल है, और इसकी डेट 9/2023 है, और जो इसका प्राइस है, ये रहा प्राइस, और इसका पार्ट नंबर, ये 100 cc है मॉडल, 100 cc 110 cc में लग जाएगी, 100 cc जितनी भी है उसमें भी लग जाएगी, हीरो की जो बाइक है। और यहाँ पे पार्ट नंबर ये रहा। अब इसे निकालते हैं और लगाते हैं बाइक में। इसमें की जो रबर लगी होती है, जिसको योक रबर बोलते हैं, ये पुरानी वाली ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि नई नहीं मिलती इसके साथ में, लेकिन ये देना चाहिए रबड़ कंपनी वालों को, बट नहीं, ये जो पुरानी वाली उसी को लगाना पड़ेगा। तो चलो उसी रबड़ को हम लगाते हैं। इसी अगर रबड़ केबल में ना घुसे तो क्या करना, हथौड़ी से चोट मार लेना, जिस जगह पे घुसा रहे हो केबल को, उसी जगह पे चोट मार लेगा तो रबर लूज हो जाएगी, तो आराम से केबल बैठ जाए, केबल में बैठ जाएगी रबड़। अब इधर देखो ये पूरा सेट है। चलो इसको हमने जैसे निकाला था, याद रखना, जैसे पुरानी वाली निकली थी वैसे ही हमको इसको लगाना है। तो चलो यहाँ से पहले डालते हैं और इस साइड में आके देख लेते हैं, ये निकल गई। अब इसे हम खींच लेते हैं, ये पहले ऊपर बिठाते हैं, ये वायर को लीवर में बिठाते हैं। लीवर में बैठाने के बाद योग में केबल को बिठा देना, ये बैठ गई, इसकी जो रबर ही रबर आगे कर देना। अब हमको करना है इधर सेटिंग सारा कुछ, तो चलो इसको भी लगाते हैं। यहाँ से जाएगी ये केबल,
केबल जो है यहाँ पे बैठती है टूल बॉक्स में, यहाँ पे यहाँ से निकलेगी और ये सीधा यहाँ आ जाएगी ये। अब इसको हमको लीवर में लगा देना, क्लच लीवर जो है नीचे का क्लच कवर वाला लीवर, इसमें लगा देना, पहले यहाँ पे बिठाना है। अब देखना जो है आराम से लीवर में वायर बैठ जाएगी, क्योंकि हमने जो केबल चेंज कर दिया वो केबल बेकार ही थी। देखो ये बैठ गई आराम से। अब इसको हम जितना अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, हाफ रखना है, फुल रखना है क्लच, वो आप लोगों के ऊपर है। हाफ रखना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लग गया सारा कुछ, क्लच एक बार चेक कर लेते हैं, ज़्यादा लूज है, ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा लूज है। इसे थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं, देखो बहुत ज़्यादा प्ले, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेंगे और इसे टाइट कर देंगे, ये बस। अब चेक करते हैं, हाफ है, ये सही है, ये बिल्कुल बढ़िया। देखो हाफ क्लच रखना, बाइक तुरंत उठेगी। अब इन दोनों नट को लॉक कर देना है, जो 14 और 12 ये 2 इंच लगेंगी खोलते टाइम और फिटिंग करते टाइम, बस। और इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसकी जो क्लच केबल है पूरी कंप्लीट डल चुकी है, क्लच हाफ रखा है। अब जो इसमें प्रॉब्लम थी इस बाइक में, गियर डालने के बाद थोड़ी देर के बाद बाइक भागती थी, वो समस्या खत्म हो गई। इसका तुरंत क्लच जो है रिलीज होगा, जैसे हम क्लच को छोड़ेंगे तुरंत क्लच प्लेट जो लगी होती है वो रिलीज होगी और फटाक से इसका पिकअप बनेगा। ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों के साथ हो तो एक बार क्लच केबल जरूर चेक करवा लेना। ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।